बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद AFS। आज मैं आप लोगों के साथ मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है मटन का कलेजी, और मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज इसे मैंने बहुत ही बारीक फाइन चॉप कर लिया है, और मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर 1 कप, पिसी लाल मिर्च लिया है 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टी स्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून से भी मैंने कम लिया है, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने कुछ ये खड़ा गरम मसाला लिया है। इसमें मैंने छोटी इलायची ली है, दालचीनी लिया है 1-2 छोटी इलायची, 2 लौंग, और 1 लिया है मैंने बड़ी इलायची, ठीक है, और दही लिया है मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही लिया है, इसे मैंने सही से फेंट लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्ची लिए मैंने यहाँ पर, और नींबू लिया है मैंने गार्निश के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया कसूरी मेथी लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ठीक है। सबसे पहले ये कलेजी का बॉल है, इसमें मैं ये पीसी मिर्चें और हल्दी और साबुत धनिया को डाल के मिक्स करूँगी, चलो ठीक है, और उसके बाद फिर मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखिए पैन में मैंने ऑयल डाला था, और ऑयल डाल के मैंने ये प्याज को इस तरह ब्राउन करने के लिए इसमें रख दिया है, ठीक है। बस हमें हल्का सा प्याज को ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो गया है, और हमें इतना ही चाहिए प्याज ब्राउन, ठीक है, हमें प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें ये मसाला लगा करके, इसमें मैंने पीसी मिर्च और हल्दी और धनिया पिसा हुआ डाल करके मैंने इसको मिक्स करके रखा था, वो डाल देंगे, ठीक है, और इसे मैं इसे इसमें मिक्स करूँगी, चलाऊँगी। इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ, ढक के इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैं ढक रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। अब इसे मैं 5 मिनट तक ढकूँगी, ढक के पकाऊँगी, और फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखूँगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसे देखती है 5 मिनट में, ये देखिए मैंने इसको चला दिया है, ये प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, पानी डाल कर इसे मैं लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखूँगी, चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं ये साबुत ज़ीरा है ये डाल रही हूँ, ये खड़ा गर्म मसाला डाल रही हूँ, ठीक है, और इसकी मैं अब ज़रा भुनाई करूँगी। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें दही डालूंगी, नहीं तो ये ऐसा भी होता है कि अगर आप दही फट भी जाती है, इसलिए आप जब भी दही को डालें इस तरह पकते हुए सालन में, तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। मैं दही डालकर इसकी थोड़ी सी भुनाई करूंगी। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक कलेजी में सबसे लास्ट में डालूंगी, अगर नमक डाल दूँगी अभी तो ये कलेजी हार्ड हो जाती है, तो आप जब भी कलेजी बनाएँ तो आप नमक उसमें सबसे लास्ट में डालें। ये देखिए इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, और इसी दौरान मुझे इसमें ये कसूरी मेथी जो मैंने कहा था इसे मैं अपने हाथ से इस तरह से क्रश करके इसे डाल रही हूँ। कलेजी मेरी अच्छी खासी पक गई है, और अब ये बस तैयार होने वाली है, तो अब इसे स्टेज पर आकर मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक बिल्कुल लास्ट में डालना है, वरना आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी, तो आप कोशिश करें कि नमक बिल्कुल लास्ट में डालें। अब मैं इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करूँगी, ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। ये देखिए ये मैंने 3 से 4 मिनट तक इसकी नॉन स्टॉप भुनाई की है,
बिल्कुल मैंने चम्मच अपना रोका नहीं, इसकी भुनाई करती गई हूँ मैं। और ये जो कसूरी मेथी डाला है इसकी वजह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये तैयार है ऑलमोस्ट, इस स्टेज पे आके मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालें, जब भी आप कोई सालन बनाएं जिसे पीसा हुआ गरम मसाला यूज़ करना हो तो आप उसे कोशिश करें बिल्कुल लास्ट में डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और हरा धनिया डाल रही हूँ। आप देखिए कलेजी बिल्कुल तैयार है। ये देखें ये हमारा मज़ेदार मसाला कलेजी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।